अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शहजाद मकसूद। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम एक लो बजट स्मार्टफोन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये रियलमी की डिवाइस होने वाली है। सो बहुत ही जल्द ये डिवाइस एक्सपेक्ट की जा रही है। सो आज की वीडियो में हम रियलमी C28 को डिस्कस करने वाले हैं। यू नो के सीरीज की रियलमी की बहुत सी डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल भी हैं। सो आज की वीडियो में हम रियलमी C28 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बार क्लियर करता चलो कि ये रियलमी C20 का नेक्स्ट वेरियंट होने वाला है, यानी कि C20A। सो बहुत लो प्राइस टैग में आपको डिवाइस मिलने वाली है। सो इस प्राइस टैग में मोस्टली पाकिस्तानी मार्केट में जो डिवाइसेज हैं वो बाई की जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त चैनल बनने में जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसके हम कैमरा सेटअप को देखें तो इस डिवाइस में आपको बैक पर सिर्फ सिंगल कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और सामने बैक पर आपको एक LED फ्लैश भी मिल जाएगा। फ्रंट पर आएँ तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जो कि वाटर ड्रॉप नोच में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ें तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। 2.3 GHz ऑक्टाकोर की स्पीड इस डिवाइस की होने वाली है और यहाँ पर साथ में आपको रियलमी की ये चिप हिलगू G35 की चिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि सबसे पहले रियलमी ही ने अपनी डिवाइस में इंट्रोड्यूस की थी। और मोस्टली रियलमी इस प्राइस बजट में यही चिप प्रोवाइड करता है, जो कि 12 नैनोमीटर वाली है। आगे बढ़े तो PowerVR GE8320 का GPU इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा। IPS LCD टच में इस डिवाइस की होने वाली है, जिसका साइज 6.5 इंच होगा। तो इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा डिस्प्ले साइज मिलने वाला है और ये डिस्प्ले आपको 720x1600 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको ऑटो द बॉक्स कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो अभी तक सिंगल वेरिएंट ही इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 2 GB ऑफ रैम 32 GB ऑफ रोम वाला होने वाला है। तो इस डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो एट प्रेजेंट लीक्स और रूमर्स इस डिवाइस से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं। अब याद नहीं आ रहा कि इसके बैटरी को डिस्कस करें तो मैसिव बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी, जो कि 5000mAh की होने वाली है। तो हमें आपको 10 वाट का अडोप्टर भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। अब मैं अगले नगर इसके हम प्राइस को देखें तो कंफर्म प्राइस अभी तक इसकी किसी भी मार्केट में रिवील नहीं की गई। तो पाकिस्तानी मार्केट में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस टैग है वो राउंड अबाउट 18,000 होने वाला है। सो रियलमी की इस प्राइस टैग में आपको ये डिवाइस मिलेगी, तो ये ही एक्सपेक्ट शुरू से रियलमी प्रोवाइड करता रहा है इस प्राइस टैग को अगर देखा जाए। लेकिन दूसरे ब्रांड यानी कि टेक्नो और इन्फिनिक्स को स्पेशली देखें तो इस प्राइस टैग में इससे नॉर्मली अच्छे स्पेक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। स्पेशली जो चिपसेट होता है वो अच्छा गेमिंग प्रोसेसर इस प्राइस टैग में भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये थे वीडियो में, करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो यार जरूर सब्सक्राइब करते जाओ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जाते हैं, जिससे मैं चलाऊँ तो अल्लाह हाफिज़।